Disconnected. Hi everyone, so welcome back to my channel and those who are new. Hi, my name is Anshika and आज का video बहुत ही ज्यादा requested video है because आज मैं आपको बताऊंगी the secret behind my haul videos and every YouTuber जो haul videos करते हैं उनका सीक्रेट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. क्या वो सच में इतना ज्यादा शॉपिंग करते हैं या उन्हें स्पॉन्सरशिप मिलती है या उन्हें कोलैबोरेशन मिलते हैं. द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दीज हॉल वीडियोस आई टेल यू टुडे. सो या विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ लेट्स जंप टू द वीडियो. सो अगर आप भी एक बिगनर है, एक बिगनर यूट्यूबर है, तो शायद ये वीडियो आपको हेल्प आउट कर सकती है आपके हॉल वीडियोज में. सो अगर आप फैशन और ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज बनाते हैं, सो पॉसिबली आपको भी हॉल वीडियोज बनाने में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगते होंगे एंड ऑफकोर्स हम एज अ बिगनर सारी चीजें और नहीं कर सकते हैं. सो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप एक हॉल वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सीक्रेट बिहाइंड ऑल ऑफ दीज हॉल वीडियोस. सो या ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या सच में लोग इतनी शॉपिंग करते हैं यूट्यूब पे? तो अगर आप किसी यूट्यूबर को रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे होंगे जो हॉल वीडियोस डालता है, क्या वो इतनी सारी शॉपिंग करते हैं या फिर वो सच में इतना पैसा वेस्ट करते हैं? सो ऑफ कोर्स नॉट. सीधा सिंपल आंसर है इसका, उन्हें ये सारी चीजें स्पॉन्सर्ड मिलती हैं, उन्हें सब कुछ कोलैबोरेशन में मिलता है, वो बिल्कुल भी खर्चा नहीं करते हैं. इवन मैं बिल्कुल खर्चा नहीं करती हूँ. सो इसलिए अगर आप मेरे जेन्युइन फॉलोअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं बहुत टाइम से हॉल वीडियोस प्रिपेयर कर रही हूँ, बहुत टाइम से हॉल वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो ये नहीं है कि मैं हमेशा कुछ नया बाय करती हूँ ऑफकोर्स, बट हाँ ये भी नहीं है कि वो मुझे अपने अकॉर्डिंग कुछ सेंड करते हैं. आई टेल यू द होल स्टोरी बिहाइंड हॉल वीडियोस दिस टाइम. सो बेसिकली हॉल वीडियो में क्या होता है कि आपको कोलैबोरेशन मिलता है, नॉट एज अ बिगनर ऑफकोर्स, आपको थोड़ा टाइम लगता है स्पॉन्सरशिप और कोलैबोरेशन लेने के लिए. सो जब आप वो स्टेज पे आ जाते हैं, जब ब्रांड आपको प्रमोट करना स्टार्ट करता है, सो वो ब्रांड अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसे नैनो इन्फ्लुएंसर्स को पिकअप करता है जो हॉल वीडियोस उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं, जिसका नीच ही हॉल वीडियोस हो वीकेंड से. और जो फैशन और ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट में हॉल वीडियोस डालते हैं ना, सो उनके लिए ब्रांड्स जल्दी पिकअप करते हैं क्योंकि वो उनका ऑटोमेटिकली नीच बन जाता है. सो इसलिए फॉर एग्जाम्पल इन माई केस व्हाट आई डू कि मैं पहले हॉल वीडियोस बनाती थी. सो हॉल वीडियोस करने के बाद जब ब्रांड आपको देख लेता है कि हाँ इसके पास एक ऑडियंस गेन हो चुकी है हॉल वीडियोस के लिए, सो वो पर्टिकुलरली ब्रांड आपको कॉन्टेक्ट करता है कि उसे भी अपनी सेल्स इंक्रीज करानी है, उसका भी प्रमोशन करवाना है. सो इसलिए आपको बहुत सारी ऐसी हॉल वीडियोस मिल जाएंगी नायका पे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, आजियो पे, अर्बन एक पे, मिंत्रा पे, सारी ब्रांड्स की जो भी आप हॉल वीडियोस देखते हैं ना, ये सब कुछ स्पॉन्सर्ड ही रहता है. बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको वो परचेज करने के लिए वाउचर्स प्रोवाइड करते हैं या फिर एक अमाउंट दे देते हैं कि आप इतने तक का आइटम परचेज कर सकते हैं. सो जो भी यूट्यूबर है उसे एक वाउचर रिसीव होता है एंड उस वाउचर से वो शॉपिंग कर सकता है. ये डिपेंड करता है कि वो कितने का वाउचर है. फॉर एग्जाम्पल 1K से 10K के बीच में आपको वो वाउचर्स प्रोवाइड कर देते हैं, वो जो अमाउंट है ना उससे आप शॉपिंग कर सकते हैं एंड फिर उससे आप हॉल क्रिएट कर सकते हैं. नाउ द मेन क्वेश्चन है, क्या ये सिर्फ बार्टर कोलैबोरेशन होता है हॉल वीडियोस में या फिर पेड कोलैबोरेशन होता है? सो ऑफ कोर्स जब आपकी एक अच्छी खासी ऑडियंस बन जाती है, सो आप उस चीज को पेड कोलैबोरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द बिगनिंग स्टेज अगर आपको एक हॉल वीडियो के लिए स्पॉन्सरशिप मिल रही है एज अ बार्टर कोलैबोरेशन, सो ऑफ कोर्स आपको उसे ले लेना चाहिए बिकॉज हम कब तक खरीदते रहेंगे हॉल वीडियोस के लिए. सो आपको अगर एज अ बार्टर कोलैबोरेशन भी मिल रहा है ना अमेज़न, फ्लिपकार्ट, आजियो से, तो ऑफ कोर्स आपको लेना चाहिए. एंड उसके बाद जैसे ही आपके पास एक अच्छी खासी ऑडियंस बिल्डअप हो जाती है, तो आप अपने जो हॉल वीडियोस है ना उसके लिए आप पेमेंट भी ले सकते हैं. सो आपके जो हॉल वीडियोस हैं वो एक पेड कोलैबोरेशन हो जाएंगे डायरेक्टली. सो इफ यू आर अ रेगुलर सब्सक्राइबर ऑफ मी तो आपको पता होगा कि हॉल वीडियोस मेरी नीच है. मैंने स्टार्टिंग ही हॉल वीडियोस से करी थी, ऐसा नहीं है कि मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ हॉल वीडियोस में, मैंने स्टार्टिंग भी हॉल वीडियोस से ही करी थी. जस्ट बिकॉज कि जो लोग मेरे पास रहते थे ना उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग का उतना ज्यादा आइडिया नहीं था, सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा था मैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में रिव्यू स्टार्ट करूंगी. इसलिए मैंने हॉल वीडियो से ही स्टार्टिंग करी थी. एंड उस टाइम मैंने क्या करती थी, जब मेरे पास स्पॉन्सरशिप नहीं आती थी, एंड वो चीज आप भी कर सकते हैं कि जो फ्रेंड्स होंगे ना आप उनसे भी बोल सकते हैं कि वो भी कुछ आइटम परचेज करें, फिर आप सारे प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक हॉल वीडियो बना सकते. सो मेरे केस में मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स है कॉलोनी में जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो मैंने क्या डिसाइड किया था कि हम हर बार एक ही वेबसाइट से शॉपिंग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा से, तो सब लोग मिंत्रा से ही उस टाइम शॉपिंग करेंगे ताकि मेरी एक हॉल वीडियो बन सके. सो बिगनिंग स्टेज में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि हम एक ही वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं एंड फिर आप उस चीज का एक हॉल वीडियो बना सकते हैं. ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई दिस आउट. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे जो आप ट्राई कर सकते हैं अपनी हॉल वीडियोस बनाने के लिए इन द बिगनिंग फेज. एंड जैसे ही आपके पास एक अच्छी खासी ऑडियंस बन जाती है, तो आपको हॉल वीडियोस के लिए प्रमोशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे एज अ बार्टर और एज अ पेड कोलैबोरेशन ऑफ कोर्स. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं कि जो प्रोडक्ट्स आप शो करती हैं, क्या वो रिटर्न कर देती हैं या फिर आप खुद रख लेती हैं? तो ऑफ कोर्स वो हमें रिटर्न नहीं करने होते हैं.
वो हम खुद भी रख सकते हैं एंड अगर आपको कहीं और सेल करने हो तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी चीज मैं परचेज करती हूँ वो जो बाउचर्स के थ्रू वो ऑफकोर्स मेरी पसंद के ही रहते हैं, वो ब्रांड अपनी पसंद से कुछ भी नहीं बेचते हैं। सो इसलिए जो भी रिव्यूज आप मेरे चैनल पर देखते होंगे सो वो मैंने खुद ही परचेज करे हैं एंड खुद ही मैं उसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रांड ने मुझे ये सेंड करा एंड मुझे उसके बारे में शो करना है, वो सिर्फ हमें बाउचर्स प्रोवाइड करते हैं एंड उसके बाद हमें जैसा वो प्रोडक्ट लगा है हम ठीक वैसा बोल सकते हैं, उसमें कोई भी मनाई नहीं होती है। यस, सो इसलिए जो भी हॉल वीडियोस आप देखते हैं ना वो 90% हॉल वीडियोस में कहूंगी मुझे ऑनेस्टी लगती है बिकॉज उसमें कभी भी मैंने अभी तक ये चीज फेस नहीं करी है कि ब्रांड आपको फोर्स कर रहा है कि हमें ऐसा पॉजिटिव रिव्यू ही चाहिए, हमें कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं चाहिए। एंड ऑफकोर्स वो वाउचर्स इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपनी पसंद से कुछ भी ले सके, वो हमें कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है वहां से कि आपको पर्टिकुलरली इसी चीज का रिव्यू देना है, ऐसा नहीं होता है। एंड द मेन क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि हमें वो आइटम्स रिसीव होने के बाद हम क्या करते हैं, मतलब इतना सारा आइटम क्या करते हैं हम। सो ऑफकोर्स आप अपना खुद का स्टोर खोल सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जो भी कपड़े आपको पसंद नहीं आ रहे हैं या जो आपके यूज नहीं है या फिर जो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं वीकेंड से, तो आप उन्हें रीसेल कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर आप अपने फ्रेंड्स को भी सेल कर सकते हैं, फिर आप अपने कजन्स रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स को भी उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। मैं यूजली अपने गिव अवेज में उसे सेंड करती हूँ या फिर मेरा जो थ्रिफ्ट स्टोर है मैं वहां पे सेल आउट कर देती हूँ। सो ये दो ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट रहते हैं क्योंकि गिव अवेज में मैं आप ही लोगों के साथ सबको शेयर करती हूँ एंड थ्रिफ्ट पे में अगर मुझे कोई आइटम पसंद नहीं है सो ऑफकोर्स मैं वो से वहां पे सेल कर देती हूँ। सो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वहां से उसे बाय कर सकता है। सो आगे बढ़ने के पहले मैं एक प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो अभी मैं रिसेंटली यूज कर रही हूँ फॉर द मॉइस्चराइजर एंड द फेस वॉश, दैट इज मामा अर्थ एक्वा ग्लो फेस वॉश एंड द मामा अर्थ एक्वा ग्लो फेस मॉइस्चराइजर। सो ये दो प्रोडक्ट अभी रिसेंटली मैं यूज कर रही हूँ एंड यू कैन सी मेरे फेस पे अभी कोई भी पिंपल नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स, बिकॉज करेंटली अभी इस सीजन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन जो है ना वो हाइड्रेट रहे। आपने ये नोटिस किया होगा जैसे जैसे विंटर्स आते हैं ना हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, सो उसके लिए सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर अगर मुझे लगा है तो वो रिसेंटली अभी ये वाला लगा है, दैट इज मामा अर्थ एक्वा ग्लो फेस मॉइस्चराइजर एंड इसका जो फॉर्मूला है ना एप्लीकेशन है इसका वो बहुत अच्छा है। सो इसलिए ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी अगर आपकी स्किन ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन है, बिकॉज मेरी अभी कॉम्बिनेशन स्किन है एंड मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, पैकेजिंग इज वेरी क्यूट एंड जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे ना, मैंने इसे ऑलरेडी यूज कर लिया है सो इसलिए ये आप देख सकते हैं मैंने इसे आधा यूज कर लिया है एंड बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा वॉटरी सब्सटेंस में है। सो आई विल जस्ट शो यू, मतलब ये मैंने यहाँ पे लिया है एंड यू कैन सी कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। आपकी ड्राई स्किन है ना तो ये मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करती हूँ एंड अगर आप 15+ हैं तो ये फेस मॉइस्चराइजर आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं बिकॉज इसके इंग्रेडिएंट्स टोटली सेफ और नेचुरल है एंड दिस इज द फेस वॉश जो मैं अभी करेंटली यूज कर रही हूँ, दैट इज मामा अर्थ एक्वा फेस वॉश एंड इसमें है एक्वा हिमालयन थर्मल वॉटर जो आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है एंड दीज आर फ्री ऑफ सल्फेट्स एंड थायलाइड सिलिकॉन्स जो आपको बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं आपकी स्किन के लिए। सो अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई हो रही है सीजन में जो कि मेरी होती है ऑफकोर्स, सो इसलिए ये दो प्रोडक्ट्स तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करती हूँ इस सीजन के लिए एंड यस डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड जो आपको स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है जिसे यूज करने के बाद आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है ऑन मामा अर्थ वेबसाइट एंड ये प्रोडक्ट्स आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट नायका पर्पल और मामा अर्थ की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। रिसेंटली अभी मामा अर्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च करा है सो इनकेस अगर आपने वो अभी तक डाउनलोड नहीं करा है सो मेक श्योर कि आप मामा अर्थ का ऐप जरूर डाउनलोड करें बिकॉज मामा अर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ओआर इंडियन ब्रांड एंड जब भी आप कोई ऑर्डर करते हैं ना उनकी वेबसाइट से सो वो डेफिनेटली एक पेड लगाते हैं और उसकी जियोलॉजिकल लोकेशन वगैरह और पिक्चर्स वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं ओवर मेल। सो या प्लीज मेक श्योर टू सपोर्ट इंडियन ब्रांड बिकॉज मामा अर्थ इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। सो मूविंग फर्दर टॉकिंग अबाउट द हॉल वीडियोज, अब आपको एक क्लियर पिक्चर व्यू बन गया होगा हॉल वीडियोज के लिए कि जो भी हॉल वीडियोज आप यूट्यूब पे देखते हैं वो स्पॉन्सर्ड रहती है बट ऑफकोर्स जो इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं और जो सोशल मीडिया कॉन्टेंट क्रिएटर्स रहते हैं वो उन्हें डायरेक्टली पिक करते हैं, मतलब वो ब्रांड सेंड नहीं करता है, वो उन्हें वाउचर्स प्रोवाइड करता है उसके बाद वो उसे पिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और अपने अकॉर्डिंग ही रिव्यू शेयर कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी फोर्स नहीं है कि हाँ आप नेगेटिव रिव्यू शेयर नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप नेगेटिव रिव्यू शेयर कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है तो आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट इन सम केसेस बिकॉज कभी कभी ब्रांड को ये पसंद नहीं आता है कि उसके बारे में नेगेटिव रिव्यू शेयर हो रहा है, बट कुछ कुछ ब्रांड बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं जो ये बोलते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट फॉर द बिगनर्स कि अगर आपको एक कोलैबोरेशन चाहिए हॉल वीडियोज के लिए सो हाउ यू कैन डू दैट, फर्स्टली
आपको कुछ वीडियोस हॉल वीडियोस के लिए डालनी पड़ेंगी फ्रॉम योर साइड फ्रॉम योर एंड. सो मैं बेसिकली अपनी मंथली सेविंग कर करके मैंने हॉल वीडियोस क्रिएट करी है सो दैट यू कैन डू इट. सो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा. आपके पास कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसके बाद आप वो पूरा कलेक्शन मिक्सअप करने के बाद एक हॉल वीडियो क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप मंथली सेविंग्स करके एक हॉल वीडियो डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं. एंड उसके बाद अगर आपने कभी ये सोचा हो कि मैं प्रोडक्ट मंगा के उसे रिटर्न कर देती हूँ, सो ये मैं सजेस्ट करूंगी कि कभी कभी तो चल जाता है बट कभी कभी सामने वाले पर्सन को भी समझ में आने लगता है, ब्रांड को समझ में आने लगता है कि ये चीज आप बार बार कर रहे हैं. सो ये मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि ये पर्सनली मैंने कभी ट्राई नहीं करा है. बट हाँ, अगर आपने कभी ये चीज ट्राई करी है सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वेदर आप हॉल वीडियोस करने के बाद वो आइटम रिटर्न कर सकते हैं, बिकॉज इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि आप हॉल वीडियो बनाने के बाद रिटर्न करते हैं या नहीं करते हैं. देयर आर सम ब्रांड्स जो ये पर्सनली बोलते हैं कि आप हॉल वीडियोस करने के बाद हमें आइटम रिटर्न कर दीजिए, तो ये डेफिनेटली होता है हॉल वीडियो के टाइम पे कि किसी किसी ब्रांड को ऐसा होता है. लाइक क्लोथिंग ब्रांड मैं बोल रही हूँ पर्टिकुलरली, बिकॉज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मैंने कभी भी नहीं सुना कि वो प्रोडक्ट्स वापस ले लेते हैं. क्लोथिंग ब्रांड के साथ ऐसा होता है कि वीडियो बनाने के बाद वो ये बोल देते हैं कि आप हमें जो भी आइटम्स है ना वो आप मुझे रिटर्न कर सकते हैं, सो दैट वो उसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स उसके बदले में वो आपको पेमेंट कर रहे हैं. सो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट्स है ना वो रिटर्न ले लेते हैं, बट आई डोंट नो वेदर आप खुद से खरीद के वो चीज रिटर्न कर सकते हैं एंड फॉर वो जो मनी है वो दूसरे हॉल वीडियो में यूज कर सकते हैं. सो ये मुझे डेफिनेटली इसका कोई आइडिया नहीं है, बट येस अगर आपने कभी भी ट्राई करा देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट दूसरे जो बिगनर्स है ना उनको भी हेल्प आउट हो सके. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू रियली एंजॉय माय टुडेस सीक्रेट बिहाइंड द हॉल वीडियोस. सो अगर आपको कोई भी डाउट है हॉल वीडियो से रिलेटेड देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं जरूर आपकी हेल्प आउट करूंगी अगर मुझे उस चीज का आंसर पता होगा. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे होम एंड स्टे नेगेटिव. बाय.